हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन से द फार्म हाउस शोन इन द फिगर हैज अ रेक्टेंगुलर शेप है एंड हैज साइड्स पैरेलल टू द चोसन एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द कॉर्नर ए इज 125 मीटर एट 53 डिग्री। ओके, एंगल दे रखा है एंड सी इज 100 मीटर एंड 37 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंसिंग रिक्वायर्ड इन मीटर। ओके, हमें फेंसिंग फेंसिंग का मतलब देखिए क्या होता है, आपको बाउंड्री देनी बेसिकली। ओके, और वो बाउंड्री देखिए आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें बेसिकली पैरामीटर फाइंड आउट करना है, किसका, इस फार्म हाउस का, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है। ऑलराइट, तो देखिए हमें यहाँ पर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रखे, क्या दे रखे, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन कर रखे, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, देखिए हम पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। ओके, हमें देखिए आर एंड थीटा दे रखे, आर एंड थीटा क्या देते हैं आपके, पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्या होते हैं आपके, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। ओके, अगर सिर्फ पोलर लिखा है तो टू डायमेंशनल की बात हो रही है, अगर हम यहाँ पर देखिए स्पेरिकल पोलर बोल दें या फिर सिलेंड्रिकल पोलर बोल दें, फिर आपका थ्री डायमेंशन हो जाता है। ओके, ये आपका प्लेन पोलर बोल रहा हूँ मैं, प्लेन पोलर यानी कि टू डायमेंशन के लिए है। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए आपके पास, इसको हम देखिए बताते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या। देखिए आपका कोई पॉइंट पी है, ओके, इसको देखिए हम, ये आपका मान लीजिए दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट देखिए आप क्या लिखते थे, एक्स एंड वाई लिखते थे। एक्स क्या होता था, देखिए वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ तक कि जो भी डिस्टेंस होती थी दिस इज कॉल्ड अवर एक्स। ओके, और वाई क्या होता था, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो भी डिस्टेंस होता थी इसे हम क्या बोलते थे, वाई बोल देते थे। ओके, और इसको हम देखिए पी को एक्स वाई के अलावा हम दूसरे कोऑर्डिनेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर एंड थीटा। ओके, आर एंड थीटा आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। आर क्या है, आर इज द रेडियस वेक्टर या फिर दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। ओके, ओपी की जो लेंथ होती है, देखिए जो आपका ओपी वेक्टर की लेंथ होगी ये क्या कहलाएगा, दिस इज अवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, या फिर देखिए आप इसको कैसे बोल सकते हैं, आर आर को देखिए प्रोजेक्शन लिख लीजिए। ओके, एक्स एक्सिस के अलावा देखिए इसका कितना प्रोजेक्शन होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका प्रोजेक्शन है ये एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका, आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। मान लीजिए दिस एंगल इज थीटा, ओके थीटा आपका एंगल है। ओके, एक्स कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। सिमिलरली वाई, वाई क्या आपको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके वाई इज इक्वल टू हम यहाँ से आर साइन थीटा बता सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ कन्वर्जन। ओके, ये कन्वर्जन हो जाता है आपका। ऑलराइट, अब देखिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको ए बी, यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या दे रखे, 125 मीटर। ओके, अब मैं देखिए इसको यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेता हूँ, ये आपका देखिए इस तरीके से है, यहाँ पर आपका फार्म हाउस है, दिस इज अवर फार्म हाउस। ओके, और यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स ऐसे गिवन कर रखे, ये आपका ओरिजिन है ओ, दिस वेक्टर इज अवर ए वेक्टर, दिस इज अवर बी वेक्टर, दिस इज अवर सी वेक्टर, दिस वेक्टर इज डी वेक्टर। ऑलराइट, ये आपका सी के भी ऐसे वेक्टर दे रखा है। ऑलराइट, ये एंगल देखिए आपको गिवन कर रखा है, दिस एंगल इज अवर 37 डिग्री एंड दिस एंगल इज अवर 53 डिग्री। ये एंगल कितना आपका 53 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर लेते हैं। इसके देखिए हमने इस कोऑर्डिनेट्स को मैंने एक्स वन बोले, एक्स एक्सिस है आपका। ओके, दिस इज अवर वाई एक्सिस। ओके, क्वेश्चन में डायग्राम में गिवन है। ओके, इस कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स टू बोल दिया। ओके, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा इसको मैं वाई वन बोल देता हूँ, और ये वाई वन इसको बोल देता हूँ, ऑलराइट इसको मैं वाई वन बोल देता हूँ। देखिए एक्स वन वाई वन, ओके, इसके करस्पॉन्डिंग ए के करस्पॉन्डिंग जो है उसको एक्स वन वाई वन बोल देता हूँ, इसको मैं एक्स टू वाई टू बोल देता हूँ। ओके, सी के करस्पॉन्डिंग वालों को मैं टू सब्सक्रिप्ट से यूज कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए सर मुझे फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पर देखिए फेंसिंग की लेंथ यानी कि हमें एक्स एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, बेसिकली एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू फाइंड आउट करना है। ओके, एक्स वन देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वन क्या देखिए आपका ओ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है, किसमें आपका एक्स एक्सिस में, तो ये आपका एक्स वन है। ओके, क्या लिख सकता हूँ इसको, ओ ए का कॉस 53, ओ ए कितना देखा है 125 के इक्वल है, इसका कॉस 53, कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है साइन 37 के इक्वल यानी कि 3/5, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका, ये आपका 75 के इक्वल आ गया, कितना गया आपका 75 आई कैप के इक्वल। ओके, एक्स एक्सिस कराओगे तो आई कैप लिख लिया। ओके, और मैं यहाँ पर से देखिए एक्स वन आ गया, अब मैं वाई वन फाइंड आउट कर लेता हूँ, वाई वन को क्या लिख सकता है, देखिए 125। ओके, और ये वाला टोटल जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड ओवर वाई वन। ओके, 125 कितना आपका साइन 37, कितना हो जाएगा आपका 125 का, सॉरी साइन 53 है ना, हाँ साइन 53, साइन 53 देखिए कितना हो जाएगा, साइन 53 की वैल्यू आपकी 4/5 के इक्वल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 100 जे कैप के इक्वल। ओके, तो ये हमने देखिए एक्स वन एक्स टू फाइंड आउट कर लिया, यानी कि मैंने ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये कोऑर्डिनेट मेरा फाइंड आउट हो गया, कितना आपका 75 एंड 100, एक्स एक्सिस के अलावा आपका 75 है, वाई एक्सिस के अलावा 100 है। ओके, ये फाइंड आउट कर लिया, अब मैं ये कोऑर्डिनेट भी देखिए यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ। ओके, इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं एक्स टू वाई टू लिख लेता हूँ, एक्स टू को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, एक्स टू को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से एक्स टू देखिए आपका ये होगा दिस डिस्टेंस। ओके, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स टू। ओके, एक्स एक्सिस में ये वाला प्रोजेक्शन यानी कि ओसी का कॉस 37 का लीजिए, आपको एक्स टू दे देगा। ओके, ओसी वेक्टर कितना देखिए आपका 100 है, इसका आप कॉस 37 का लीजिए, कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 4/5 के इक्वल होती है, तो ये आपका 80 आई कैप आ गया। ऑलराइट, और देखिए वाई टू, वाई टू देखिए कितना होगा, वाई टू को हम लिख सकते हैं 100 का क्या, ये आपका जगह 37 एंगल है ना, तो ये आपका आएगा
100 का sin 37, sin 37 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 3/5 होती है, तो आपका 60 j कैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 j कैप। ओके, तो मैंने इसके भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिए कितने कितने आगे। देखिए एक्स एक्सिस के अलावा आपका आया है 80 और वाई एक्सिस के अलावा 60। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ ये आपका 80 है, दिस इज अवर 60। ऑलराइट, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फेंसिंग के लिए लेंथ चाहिए, यानी कि देखिए हमें टोटल इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। डीसी डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए इसके कोऑर्डिनेट आपके 75 है, एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट 80 है, तो ये आपकी 5 मीटर लेंथ हो जाएगी। ओके, इसका कोऑर्डिनेट देखिए वाई में 60 है, इसका कितना 100 है, तो 60 से 100 ये कितना हो जाएगा आपका, 60 से 100 ये आपका 40 के इक्वल, ये 40 मीटर। सिमिलरली देखिए रेक्टेंगल है, तो ये साइड 5 मीटर होगी, ये साइड इसके 40 मीटर हो जाएगी। ओके, आप टोटल इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द फेंसिंग रिक्वायर्ड। ओके, 40 40 80, 80 प्लस 10 90। ओके, तो हम बता सकते हैं कितनी लेंथ चाहिए होगी आपकी, 90 मीटर के इक्वल। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।